गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ, हाउ आर यू ऑल? फाइन। सो स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर आवर कंट्री एंड इट्स नेबर। टुडे वी आर डूइंग इट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड एक्सरसाइज। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव यू लर्न ऑल दिस स्टेट्स एंड कैपिटल्स? इफ येस, देन मेक अ वीडियो बच्चों, ओके, एंड मेक अ वीडियो ऑफ दिस यूनियन टेरिटरीज एंड कैपिटल्स एज वेल। सुनाते हुए आप ये आठों यूनियन टेरिटरीज और ये 28 स्टेट्स विद देयर कैपिटल्स आप मुझे एक वीडियो सेंड करेंगे बच्चों ग्रुप पर, ओके। भले ही या तो आप आज यूनियन टेरिटरी या फिर आप ये 28 स्टेट्स, इन दोनों में से आप एक चीज़ तो आज मुझे सेंड करेंगे ही, ओके। यही आप अपना होमवर्क समझिए आज बच्चों, सबसे पहला, ठीक है, विद यूनियन टेरिटरीज विद देयर कैपिटल्स और स्टेट्स विद देयर कैपिटल्स। लेकिन बच्चों, स्टार्ट करने से पहले आपको ये जरूर बोलना है वीडियो में कि देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज और देयर आर 28 स्टेट्स, ओके बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ दैट चैप्टर। आपने कल बच्चों यहाँ तक रीडिंग कर ली थी पूरी, पॉइंट्स टू रिमेम्बर तक हमने पूरा चैप्टर भी समझा, कुछ कीवर्ड्स भी मैंने आपको उतार के दिए थे, उसको आप नोट भी करिए और कुछ बच्चों ने करा भी है। देखते हैं बच्चों आज एक्सरसाइज। सबसे फर्स्ट है बच्चों आपका, चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि MCQ, हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? कितने स्टेट्स हैं बच्चों इंडिया में, ये आप तो पढ़ चुके हैं, तो क्या है राइट आंसर? 28, जो भी आपका टिक भी लगा हुआ है। इसके बाद देखिए सेकंड वाला, डैश लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया, इनमें से कौन साउथ में इंडिया गया? अब बच्चों देखिए साउथ आ गया, अब आपको ये पहचानना आना चाहिए कि साउथ कहाँ पर होता है। तो मैंने आपको बताया था साउथ कहाँ होता है बच्चों, नीचे की साइड, और नॉर्थ कहाँ होता है बच्चों, ऊपर की साइड। ईस्ट कहाँ होता है, इधर राइट हैंड साइड में, और वेस्ट कहाँ है, इधर। अब साउथ में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पे श्रीलंका दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये छोटा सा श्रीलंका, तो साउथ में क्या है बच्चों, श्रीलंका। तो डैश लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया, तो साउथ में क्या है बच्चों, पाकिस्तान, नेपाल कि भूटान, नहीं, श्रीलंका। तो श्रीलंका इज द राइट आंसर, सी। इसके बाद थर्ड वाला देखिए बच्चों, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ये तो आपने पढ़ा था बच्चों, कौन सा लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, राजस्थान, तो राजस्थान इज द करेक्ट आंसर, ओके। इसके बाद देखिए फोर्थ वाला, विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा बताया था बच्चों मैंने आपको, गोवा, तो राजस्थान लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इज गोवा। इसके बाद देखिए बच्चों, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, बताया था बच्चों मैंने आपको, ऊपर ही देखिए यहाँ पे आपको जो फिजिकल डिवीज़न दे रखे हैं उसमें बताया रखा है आपको, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट को हम और क्या कह सकते हैं, थार डेजर्ट। तो क्या आएगा बच्चों इसके अंदर, ए ग्रेट इंडियन डेजर्ट का और क्या नाम है, थार, यानी कि थार डेजर्ट। इसके बाद देखिए बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स, इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन एरिया, यानी कि एरिया वाइज, यानी कि जगह वाइज, जगह की उससे देखिए अगर हम कितनी ज़मीन है, सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है बच्चों, रशिया के पास, ये मैंने आपको बताया था ना, और सेवन्थ नंबर पर है इंडिया। इंडिया कौन सी लार्जेस्ट कंट्री है, सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए सेकेंड वाला, द साउथर्न टिप ऑफ इंडिया इज कन्याकुमारी, यानी कि सबसे नीचे की साइड टिप, साउथर्न टिप, देखिए यही तो है बच्चों, साउथ में बिल्कुल टिप है जो ये इंडिया की, यहाँ पे क्या पड़ता है बच्चों, कन्याकुमारी, ये पहले ही बताया था मैंने आपको, तो इसमें क्या आएगा बच्चों, कन्याकुमारी, ये जगह का नाम है, द साउथर्न टिप ऑफ इंडिया इज कन्याकुमारी। थर्ड देखिए बच्चों, अ लैंड सरफेस सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड, ऐसा लैंड सरफेस जो कि तीन साइड से पानी से घिरा हो, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पेनिनसुला, क्या बोलते हैं बच्चों, पेनिनसुला। और मैंने आपको बताया था बच्चों जो हमारी इंडिया है वो पेनिनसुला है, क्योंकि देखिए ईस्ट से भी, वेस्ट से भी और साउथ से भी ये पानी से ही घिरी हुई है, तो ये क्या है, पेनिनसुला है।
और जो ऐसे लैंड सरफेस होते हैं जो कि फोर साइड से यानी चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, आइलैंड। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये देखिए ग्रीन ग्रीन सा दिखाई दे रहा है ना ये, तो ये क्या है बच्चों, एक आइलैंड है जो कि फोर साइड से चारों साइड से ये पानी से घिरा हुआ है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, थ्री साइड वाला का पेनिनसुला, जो कि थ्री साइड से घिरा होता है जो लैंड सरफेस उसको बोलते हैं पेनिनसुला। इसके बाद देखिए बच्चों, आर नेबर्स अक्रॉस द सी, यानी कि हमारे ऐसे नेबर जो कि हमें समुद्र पार करके जाने पड़ते हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो श्रीलंका और एक मालदीव्स। बताता हूँ बच्चों मैं आपको, श्रीलंका कहाँ पर है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये श्रीलंका देखिए, इन दोनों के बीच, इंडिया के बीच में और श्रीलंका के बीच में समुद्र है कि नहीं है। तो ऐसे दो देश बताने हैं हमको, जो ऐसे दो पड़ोसी राज्य बताने हैं, नेबर कंट्रीज बतानी है जिनको पार, जिनके बीच में सी आता है। तो यहाँ पे श्रीलंका के बीच में और इंडिया के बीच में सी आता है। और देखिए मैं आपके लिए मालदीव्स की भी फ़ोटो लेके आया हूँ, ये देखिए बच्चों मालदीव्स कहाँ है, ये रेड सर्कल में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मालदीव्स है। ये तो देखिए इंडिया और मालदीव्स के बीच में सी है कि नहीं है, तो यही हमको बताना है। ऐसी दो नेबर कंट्रीज़ बताई थी कि जिसको हमें सी पार करके जाना पड़ता हो, और यहाँ पे आपको श्रीलंका का भी दिख रहा है, तो श्रीलंका एंड मालदीव्स ऐसी कंट्री हैं जहाँ से सी पार कर, जहाँ हमें सी पार करके जाना पड़ता है, समुद्र पार करके जाना पड़ता है। ओके, इसके बाद देखिए बच्चों, ट्रू फॉल्स, सी ट्रू फॉल्स, हिमालयाज आर, कह दिया है बच्चों आपको सबसे पहले देखिए, हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। जो हिमालयाज हैं बच्चों, जो ऊपर की साइड है बच्चों नॉर्थ में, नॉर्थन माउंटेन्स को क्या बोला जाता है बच्चों, हिमालय माउंटेन्स। तो जो हिमालय माउंटेन्स वो सबसे ऊंची रेंज है, सबसे ऊंचे पहाड़ है पूरे वर्ल्ड में। तो इसका आंसर है बच्चों यस, सबसे ऊंचे पहाड़ है वो देश में, देश में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में। द नॉर्थन प्लेन्स इज एन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। द नॉर्थन प्लेन्स इज एन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। अब बच्चों आपको ये दे रखा है कि जो नॉर्थन प्लेन्स है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डिवीज़न है इंडिया का। देखिए बच्चों यहाँ पे ट्रू हो गया है, लेकिन इसको फॉल्स करिए, इसको क्या करना है बच्चों को, सेकंड वाले को फॉल्स क्यों करेंगे फॉल्स। अब आप पूछेंगे कि सर नॉर्थन प्लेन्स तो पॉलिटिकल डिवीज़न ही है इंडिया का, लेकिन बच्चों गलत फहमी है आपकी। जो नॉर्थन प्लेन्स हैं, जो आपको ये नॉर्थन प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये क्या है, फिजिकल डिवीज़न है इंडिया की। कौन सी डिवीज़न है, फिजिकल डिवीज़न है, ये पॉलिटिकल डिवीज़न नहीं है नॉर्थन प्लेन्स। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, फॉल्स। इसमें क्या बोला गया, नॉर्थन प्लेन्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। तो पॉलिटिकल डिवीज़न नहीं है नॉर्थन प्लेन्स इम्पॉर्टेंट, कौन सा है, फिजिकल डिवीज़न है। तो यहाँ पे बच्चों आपको सेकंड वाले में क्या करना है, फॉल्स करना है इसको, ठीक है। ये एफ आएगा बच्चों यहाँ पे, ध्यान से करिएगा, मैं आपको इमेज भी भेजूँगा तो उसमें आप ध्यान से करेंगे इसको, फॉल्स, ठीक है। थर्ड वाले को देखिए बच्चों, अफगानिस्तान इज़ अ स्टेट ऑफ इंडिया। अब अफगानिस्तान तो बच्चों एक कंट्री है, वो कैसे इंडिया की स्टेट हो सकती है, वो तो एक नेबर कंट्री है इंडिया की, तो अफगानिस्तान तो स्टेट नहीं हो सकती इंडिया की, तो ये भी फॉल्स है बच्चों। इसके बाद देखिए, इंडियाज नेबर इन नॉर्थ वेस्ट इज़ जापान। अब देखिए बच्चों, नॉर्थ वेस्ट कहाँ पर है, फिर से देखते हैं, नॉर्थ कहाँ है बच्चों, ये रहा, वेस्ट कहाँ है बच्चों, ये रहा। अब नॉर्थ वेस्ट इसको कहेंगे इसके बीच का एरिया, तो इसके बीच के एरिया में कौन सी कंट्री आती है, पाकिस्तान। देखिए आपको दिख रही है ना, पाकिस्तान आती है। तो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, इंडियाज नेबर इन नॉर्थ वेस्ट जापान, तो जापान तो नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों, फॉल्स, ये हो गया फॉल्स, ठीक है ना, दिख रहा है आपको। नॉर्थ वेस्ट में कंट्री कौन सी है, जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जापान कहाँ पर है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, जापान इधर की साइड है बच्चों, ये देखिए इधर की साइड है, चाइना, चाइना है जो हमारा, इधर की साइड ही छोटा सा जापान है, और इधर इंडिया है। तो इंडिया के कहाँ पर है जापान, ईस्ट में है, किस में है, ईस्ट में है, ये ईस्ट ही तो है, ईस्ट में पड़ता है जापान, ना कि नॉर्थ वेस्ट में। तो आपने देखा कि फोर्थ वाला जो ट्रू फॉल्स है वो फॉल्स है, और जो सेकेंड वाला ट्रू फॉल्स है वो भी फॉल्स है, क्योंकि नॉर्थन प्लेन्स पॉलिटिकल डिवीज़न नहीं है, फिजिकल डिवीज़न है। इसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन आंसर्स,
नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, आपको जो इंडिया के पड़ोसी राज्य हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था देयर आर 9 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। कितनी नेबरिंग कंट्रीज है? 9 नेबरिंग कंट्रीज है। तो उसके देखते हैं बच्चों, आंसर देखते हैं इसका। मैं आपको इसकी फ़ोटो भी भेजूंगा, ओके। तो देखिए, नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, नेबरिंग कंट्रीज़ का नाम लिखना है। सबसे पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बोलना सीखिए बच्चों, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ठीक है बच्चों। ये 9 कंट्रीज़ हैं जो कि हमारी नेबर कंट्रीज़ हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, नेम देम, यानी कितनी यूनियन टेरिटरीज है हमारी इंडिया में, उनके नाम लिखो। तो हमने पढ़ा था बच्चों, देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। सबसे पहली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सेकेंड लक्षद्वीप, थर्ड पुडुचेरी, फोर्थ दमन एंड दीव एंड दादर नागर हवेली, फिफ्थ है बच्चों चंडीगढ़, सिक्स्थ है दिल्ली, सेवन्थ जम्मू कश्मीर, और एट्थ है बच्चों लद्दाख, ओके। सेकंड वाला आंसर देखा आपने, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 8। और एटों के नाम भी देखे हमने, इनको लिखिएगा बच्चों और याद भी करिएगा। इसके बाद देखिए बच्चों, थर्ड, लिस्ट द मेजर फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, हमें फिजिकल डिवीज़न्स के नाम लिखने हैं। तो अभी हमने पढ़ा था बच्चों चैप्टर में, कितने फिजिकल डिवीज़न्स थे? 6 फिजिकल डिवीज़न्स थे। तो सबसे पहले हमने यही लिखा, इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 6 फिजिकल डिवीज़न। कितने फिजिकल डिवीज़न में हैं? 6 फिजिकल डिवीज़न में डिवाइड है। सबसे पहला बच्चों नॉर्थन माउंटेन्स, सबसे पहला कौन सा है? नॉर्थन माउंटेन्स, यानी कि जो ऊपर के पहाड़ हैं। इंडिया आपने देखी ना, ये देखिए इंडिया की में जो नॉर्थन माउंटेन्स है, जो ऊपर के ये पहाड़ हैं, इनको बोलते हैं बच्चों नॉर्थन माउंटेन्स। फिर आया आपका सेकंड नॉर्थन प्लेन्स, तो यहाँ पे प्लेन्स भी हैं बच्चों, आपको लिख के दिया है बच्चों, देखिए नॉर्थन प्लेन्स, तो यहाँ पे प्लेन्स भी मतलब खाली मैदान भी हैं। फिर थर्ड आता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, देखिए थार डेजर्ट, ये आपको दे रखा है यहाँ पे बच्चों, थार डेजर्ट है ये आपको दे रखा है, थार डेजर्ट। तो एक तो थार डेजर्ट है, 3 हो गए। फोर्थ साउथर्न प्लेट्यूज, देखिए साउथ में भी प्लेट्यूज हैं यहाँ पर। फिफ्थ है बच्चों ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, यानी कि समुद्री तट हैं वो ईस्ट में भी हैं और वेस्ट में भी हैं, यानी कि ईस्ट में भी हैं समुद्र तट और वेस्ट में भी हैं, तो कोस्टल प्लेन्स। और सिक्स्थ क्या है बच्चों? आइलैंड्स, जो कि मैंने आपको बताए थे, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप, तो ये 2 आइलैंड भी हैं। तो इस तरीके से 6 फिजिकल डिवीजन में बटा हुआ है इंडिया। तो हमने देखा इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 6 फिजिकल डिवीज़न, इन 6 के हमने नाम भी देखे, है ना, एक नॉर्थन माउंटेन्स, एक नॉर्थन प्लेन्स, एक ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसको हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं, फोर्थ है साउथर्न प्लेट्यूज, फिफ्थ है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और सिक्स्थ है द आइलैंड्स। तो बच्चों ये क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज मैं आपको अलग से भेजूंगा ग्रुप पर, आपको इन एक्सरसाइज को और इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में राइट डाउन करना है, लिखना है और इनको लर्न करना है। और लास्ट बात बच्चों, आपको एक वीडियो बना के भेजनी है, या तो यूनियन टेरिटरीज की अपनी बोलते हुए, सारी यूनियन टेरिटरीज 8ों की 8ों, और या फिर स्टेट्स को बोलते हुए विद देयर कैपिटल्स, है ना। तो आपका ये आज का होमवर्क है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।